चीन के शहर हांगझू में आज यानी 23 सितंबर साल 2023 को 19वें एशियन गेम्स का भव्य शुभारंभ हुआ। आपको बता दूं कि जो ये उद्घाटन समारोह हुआ वो हांगझू के ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में हुआ और इस उद्घाटन समारोह में चीनी कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। भारतीय दल भी इस मार्च पास्ट में शामिल हुआ और उसमें जो है भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन कौन थे ये आपको बताऊंगा, किस तरह के कपड़े पहन रखे थे भारतीय एथलीटों ने आज आपको ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। हांगझू एशियन गेम्स का शुभारंभ हो चुका है और आज इसकी विधिवत शुरुआत की घोषणा जो है वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की और उनके इस घोषणा के साथ ही जो है एशियन गेम्स का शुभारंभ हो चुका है 19वें एशियन गेम्स का। और जब उन्होंने घोषणा की शी जिनपिंग ने, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन जो है हुआ है। और आपको बता दूं कि चीनी कलाकारों ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ प्राचीन चीनी परंपराओं को आधुनिक प्रगति के साथ जो है जोड़ते हुए जो है कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और वो जो है देखने लायक थी। वहां जो दर्शक उपस्थित थे सभी के मन जो है इन कलाकारों ने मोह लिए। तो सुंदर प्रस्तुति हुई और इसके बाद रंगारंग कार्यक्रम जब संपन्न हुआ उसके बाद एशियाई खेलों की मशाल जो है वो जलाई गई और चीन के ओलंपिक मेडलिस्ट जो हैं जेंग सी वे ने अन्य ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। उसके बाद मार्च पास्ट होता है और मार्च पास्ट में सभी देशों के खिलाड़ी जो है अपने देश के झंडे के साथ मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हैं। सभी उत्साह से लबरेज थे, सभी जोश में थे। और भारतीय खिलाड़ियों की बात करूं तो वो मार्च पास्ट में शामिल होने के पहले भी जो है वो काफी जोश में दिखाई दिए और वो नारा लगा रहे थे सबसे आगे होगा भारत। और यही तो हम सभी चाहते हैं कि इन एशियाई खेल में जो है भारत सबसे आगे रहे, सारे खेलों में भारत बेहतर प्रदर्शन करे। अगर भारतीय दल के मार्च पास्ट की हम बात करें तो जो ध्वजवाहक थे भारतीय दल के वो दो एथलीट थे। जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह, वो ध्वजवाहक थे और उनके साथ थी बॉक्सर लोवलीना बोरगोहेन जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। दोनों ने जो है वो तिरंगा थाम रखा था, वो आगे बढ़ रही थी और पीछे जो है बाकी सारे खिलाड़ी जो है वो भारतीय चल रहे थे। बहुत ही एक उत्सव सा माहौल था वहां पर, सभी भारतीय खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे थे और पोशाक भी उन्होंने क्या खास पहन रखे थे। महिलाएं जो हैं, भारतीय महिलाएं जो खिलाड़ी हैं वो आपको साड़ी में दिखी, जबकि जो पुरुष हैं उन्होंने कुर्ता के ऊपर बंडी डाल रखा था और नीचे पैंट पहन रखी थी। तो इन पोशाक में जो है सभी बहुत अच्छे लग रहे थे, खूबसूरत दिख रहे थे। और जो भारत का मार्च पास्ट हुआ वो 655 खिलाड़ियों का जो है वो भारतीय दल इस बार गया है एशियन गेम्स में, तो उसमें से ज्यादातर खिलाड़ी जो है इसमें शामिल थे। और 655 खिलाड़ियों में आपको बता दूं कि 332 पुरुष हैं और 323 जो है वो महिलाएं हैं इस भारतीय दल में। एथलीटों की अगर हम बात करें तो अब जो है एशियन गेम्स का भव्य शुभारंभ हो चुका है और अब जैसे जैसे इवेंट्स जो हैं अब वो शुरू होंगे, तेजी पकड़ेंगे सारे खेलों के आयोजन, तो अब उसकी तैयारी करनी है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भारत का दल गया है 19वें एशियाई खेल में वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। और जो उन्होंने नारा लगाया कि भारत होगा सबसे आगे, भारत सबसे आगे हो। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।